और हम आपको बताएंगे कि कुदृष्टि जो होती है, जो नजर लगती है, उसकी तीव्रता कितनी है, कितनी घातक है, ये कैसे पहचानी है, वो आपको दुर्गंध से मालूम पड़ेगा। देखिए, अगर कुदृष्टि नहीं लगी है तो नमक और राई की ही जलने की गंध आएगी, यह गंध दुर्गंध रहित होती है। अब यदि मंद कुदृष्टि है, एक हल्की सी नजर लगी है, तो कभी कभी कोई भी गंध नहीं आती है, उस समय राई और नमक द्वारा खींची गई रजतमात्मक तरंगों की मात्रा नगण्य होने के कारण वे अग्नि में तुरंत भस्म हो जाते हैं, इसलिए अत्यल्प दुर्गंध आती है, बहुत हल्की सी दुर्गंध आएगी। तो उस समय मंद मात्रा में कुदृष्टि लगी होती है, और समझिए आपको बहुत तेज नजर लगी हुई है, उसका इफेक्ट ज्यादा है। तो यदि तीव्र कुदृष्टि लगी है तो दुर्गंध की मात्रा ज्यादा होगी, और जब दुर्गंध की मात्रा अधिक ज्यादा हो तो समझ लीजिए कि तीव्र कुदृष्टि लगी हुई है। अभी जो मैंने आपको बताया, तो कुदृष्टि न लगी हो तो नमक और राई के जलने पर दुर्गंध नहीं आएगी, इसका अर्थ है व्यक्ति को आध्यात्मिक कष्ट नहीं है, परंतु इसके उपरांत भी व्यक्ति को स्थूल से कष्ट के लक्षण प्रतीत हो रहे हो तब समझना चाहिए कि कुदृष्टि उतरी ही नहीं, और एक एक घंटे उपरांत कुदृष्टि उतारते रहे। तब भी यदि कुदृष्टि न उतरे तो कुदृष्टि उतारने के लिए अगला चरण नारियल का है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इतना करने के उपरांत भी यदि कुदृष्टि नष्ट न हो, कष्ट दूर न हो, तो उस विषय में अध्यात्म की ज्ञाता अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति से पूछें और उनके बताए अनुसार आध्यात्मिक उपाय करें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।